अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल ऑल बी फाइन। आई एम टीचर नाजिश ऑफ क्लास 4। टुडे वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 94। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 10। आज जो हम पढ़ेंगे वो पेज नंबर 10 पर है, पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉपुलेशन ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स रुझान। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन एंड द सेंसिस। मैंने आपको बताया था, ये देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि एक एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को आप क्या कहते हैं? पॉपुलेशन या आबादी। अब इस पॉपुलेशन को अगर आप ऑफिशियली मुख्तलिफ लोगों को लगा के सरकारी तौर पर काउंट करते हैं, उनकी एज, उनके जेंडर, उनके रिलीजन और उनकी जॉब्स के हवाले से देख के, उनके सारे सरकमस्टेंसेस को, उनको अगर काउंट किया जाता है पूरे मुल्क की आबादी को, दैट्स कॉल्ड द सेंसिस। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में, कि दोज आर द एरियाज विच हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड दोज एरियाज विच हैव द लीस्ट पॉपुलेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पॉपुलेशन, आबादी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर आबादी कम है। अगर हम वैसे देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो पंजाब के अंदर ज़्यादा है। पंजाब जो है आपका हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन अगर आप ट्रेन के हवाले से देखते हैं, रकबे के लिहाज से देखते हैं, ज़मीन के लिहाज से देखते हैं, तो आपका बलूचिस्तान का जो आपका प्रोविंस है वो सबसे जो है वो बड़ा है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि उनकी सरकमस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है कि लोग वहाँ पर सर्वाइव करें, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। वहाँ पर वाटर शॉर्टेज है, वहाँ पर जो है आप लोगों को उतनी फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है, इस वजह से वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। अगर आप देखते हैं, सबसे पहले रीडिंग जो है हम करते हैं, रीडिंग से पहले हम देखते हैं, ये देखें, ये आपकी बुक के ऊपर एक और बना हुआ है, लैंड एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखें कि आपकी ज़मीन और आबादी के लिहाज से जिस तरह आपके प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये देखें, ये आपके सारे नीचे वो दिए हुए आपके प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध। अब ये जो आपकी ब्लू लाइन है, दैट शोज द लैंड। जो आपकी ब्लू लाइन है वो किस चीज़ को शो कर रही है? ज़मीन को, लैंड को। और जो आपकी रेड लाइन है वो शो कर रही है किस चीज़ को? आपकी पॉपुलेशन को, आबादी को, कि आपके कौन से सूबे में ज़्यादा आबादी है, कौन से में कम है। इस ग्राफ की मदद से आपको इजीली पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे ऊँचा जो ग्राफ है वो रेड लाइन, वो कहाँ का है? पंजाब का। यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। लेकिन अगर आप उसको रकबे के लिहाज से देखते हैं, तो रकबे के लिहाज से यह देखें, ये सबसे ज़्यादा किस में है? बलूचिस्तान में। कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, ठीक है। ये देखें, ये सारे आपको ये देखें, पंजाब है, पंजाब के बाद सेकंड आपका सिंध है, थर्ड आपका KPK है, फोर्थ आपका बलूचिस्तान है। यहाँ पर ये आपको इजीली समझ आ जाता है कि कौन से प्रोविंस में आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये देखें, हाइएस्ट पीक पर पंजाब, नेक्स्ट सिंध, इसके बाद आपका KPK एंड थर्ड वन द बलूचिस्तान। यहाँ पर देखें, फर्स्ट आपकी जो ज़मीन के लिहाज से है बलूचिस्तान, नंबर टू पर है आपका पंजाब, नंबर थ्री पर आपका सिंध और नंबर फोर पर KPK। अब यहाँ पर अगर अभी की रीडिंग करेंगे, जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं वही हैं, कि पॉपुलेशन हैज़ द लार्जेस्ट, पंजाब हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस, बट इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे भी ये बताया गया कि पंजाब की जो सरजमीन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है हर सूबे में, लेकिन लेकिन लीस्ट नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू साइज़। लेकिन यहाँ पर जो है अपनी आबादी के लिहाज से, अपने उसके लिहाज से लीस्ट नंबर हैं, उसके साइज़ के लिहाज से। द टेरेन इज़ रफ एंड रॉक्ड, यानी कि अगर उसका रकबा देखते हैं, अगर आप उसके ज़मीन के लिहाज से देखते हैं, तो कौन सा आपका प्रोविंस बड़ा है? बलूचिस्तान। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव इन द लिविंग कंडीशंस, और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इन लिविंग कंडीशंस में रहना, इस वजह से, वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से भी, लेकिन वहाँ पर आबादी कम है बिकॉज ऑफ द जो है वो अनकम्फर्टेबल लाइफ। वहाँ पर जो लाइफ है वो अनकम्फर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, बहुत लो रेनफॉल है, वहाँ पर जो है वो सरकमस्टांसिस जो हैं वो आपके हेल्दी नहीं है, इस वजह से वहाँ पर आपका जो रहना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देर आर मेजर जो मैनी जॉब्स अवेलेबल इन पंजाब। अब पंजाब के अंदर जब आबादी ज़्यादा होगी, ये चीज़ जहन में रखें कि जहाँ पर
आबादी ज़्यादा होगी, ज़्यादा तादाद में लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने पैसे को उधर ही इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो लोगों के पास जॉब्स आएंगी, वो जो प्रोविंस है वो ज़्यादा आपका डेवलप्ड प्रोविंस होगा। अब पंजाब को अगर आप देख लें, पंजाब को अगर आप कंपेयर करते हैं अपने दूसरे प्रोविंसेस से, तो पंजाब आपका मज़ीद डेवलप्ड एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा तादाद में लोग हैं तो वो आप क्या करते हैं, अपने कारोबार के लिए क्या करेंगे, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी लगाएंगे, अपने जो है इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो दूसरे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन एडवांटेज ये भी है कि आपके जो पंजाब है उसके अंदर आपकी वास्ट एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी ज़मीन जो है वो काबिले काश्त है। अब अगर आप इस एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस आप देखते हैं तो आपका जो सिंध है या आपके बलूचिस्तान है, वहाँ पर जो ज़मीन है कोई डेजर्ट्स में है, कोई माउंटेनियस एरियाज़ हैं KPK में, तो वहाँ पर जो ज़मीन है वो काबिले काश्त नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन काबिले काश्त है वो भी कहाँ पर है, पंजाब के अंदर। वेयर एवर देर आर माउंटेनियस एंड डेजर्ट रीजन्स, फ्यू पीपल लिव इन दीज एरियाज ऑफ द डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशंस। बहुत सारे लोग इस कंडीशन में रहते भी हैं, लेकिन इस कंडीशन में रहना बहुत मुश्किल है। सिटीज़ आर डिवेल्प्ड एंड मेनी मोर जॉब्स आर बींग क्रिएटेड। अब नए नए शहर हैं, लोगों के पास जॉब्स भी अवेलेबल हैं, पीपल आर मूविंग फ्राम विलेजेस टू सर्च फॉर जॉब्स इन द सिटीज़। अब जहाँ पर जो लोग दूर दराज इलाकों में रह रहे थे पंजाब के अंदर भी, वो भी शहरों की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द जॉब। द सिटीज़ आर बिकमिंग ओवर पॉपुलेटेड। इसी वजह से जब लोग दूर दराज इलाकों से भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि वहाँ पर उनको अच्छा रोज़गार और अच्छे कारोबार के मौके मिल सकें, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि शहर जो है वो हाईली कंजस्टेड एरियाज़ बन गए हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जब एक जगह पर आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जहाँ उसके जॉब्स की या दूसरी चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, वहीं पर उन चीज़ों के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका पेज है, पेज नंबर 11, वो इसी चीज़ के बारे में है कि आपके जो डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं किस चीज़ के, ओवर पॉपुलेशन के या आबादी में इजाफे के। जब आबादी आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती है, देन इट हैज़ द डिसएडवांटेजेस। अब क्या होगा कि अगर आपकी आबादी जो है, जो पॉपुलेशन है, अगर आपकी इंक्रीज़ करती रहती है, तो इस तरह आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, वो तो उस तरीके से इंक्रीज़ नहीं करते। यानी कि अगर आपके रिसोर्सेज 10 लोगों के लिए हैं या 20 लोगों के लिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पर अगर आपके 50, 100 या 200 या 500 तक लोग आ जाते हैं, तो वो उन लोगों को तो वो चीज़ें जो हैं उनके लिए नाकाफ़ी होंगी। तो क्या होगा कि इस तरह फिर लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। जब लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे, जॉब्स कम होंगी, तो फिर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए जो है वो आपके मुल्क के लिए के मुफाद में नहीं जाएगा, जिससे आपके जो है नुकसानात शुरू हो जाएंगे। अब यहीं पे हम देखते हैं डिसएडवांटेज, देखते हैं ओवर पॉपुलेशन के, आबादी में इजाफे के। नेचुरल रिसोर्सेज आर रनिंग आउट, यानी कि यही देखें ना कि कुदरती वसाइल उस तरीके से तो नहीं बढ़ रहे जिस तरीके से आपकी आबादी बढ़ रही है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज तो आपके पास वही हैं। जब ज़्यादा लोग उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्सेज आपके कम होते जाएंगे और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आर मोर पीपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर रनिंग आउट बिकॉज मोर पीपल आर यूजिंग देम। अब सबसे देखें यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन भी है जो कि हाईलाइटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको कुदरती वसाइल मिलते हैं, जो कि कहाँ से मिलते हैं आपको, ज़मीन के अंदर से, जैसे कि आपका पानी है, आपके जंगलात हैं, आपकी हवा है, आपके पहाड़ हैं, प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, रॉक है, सॉल्ट है, एंड सॉइल आर आल नेचुरल रिसोर्सेज। ये तमाम आपके कुदरती वसाइल हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्टेड होते हैं। अब जैसे जैसे लोग इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ये कम से कम होते जाएंगे। देर आर वाटर शॉर्टेज इन एरियाज रिजल्टिंग इन लेस वाटर फॉर इरीगेशन। अब यहाँ पर देखें ना कि सबसे ज़्यादा जो मेन आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो कि नेक्स्ट आने वाले सालों में आपके लिए मज़ीद सवेर कंडीशन इख्तियार कर जाएगी, वो है आपकी वाटर शॉर्टेज। अब यहाँ पर देखें, जैसे आप अगर पाकिस्तान को ही देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर डैम्स बहुत कम तादाद में है। अगर डैम्स कम है तो हम जो बारिश का पानी है हम उस तरीके से उसको सेव नहीं करते जिस तरह उसको करना चाहिए। जब हम उसको सेव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले सालों में क्या होगा कि जो पानी है ज़ेर ज़मीन हमारे पास, हम उसको तो बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, जब नेक्स्ट आने वाले साल होंगे तो क्या होगा कि वो पानी आपका बहुत कम हो जाए, जो कि आने वाली नस्लों के लिए आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जब पानी नहीं होगा तो उससे क्या होगा, इरीगेशन नहीं
नहीं होगी, काश्तकारी नहीं होगी आपकी। दिस रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स, इससे आपकी जो फसलों की जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी। सो दस लेस फूड एंड मोर हंगरी, इससे क्या होगा कि जब फसल नहीं उगेगी, फसल का जो है वो अच्छी नहीं होगी, आपका कारोबार अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा आपके लिए भूख और जो गजाई कमी है, मैन डस्ट पीपल जो है वो आपके लिए जो लोग हैं वो गजाई कमी के शिकार हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द इट्स टू लेंथी वीडियो, यानी कि आपकी जो है शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आज इतने ही हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 11 जो है आपका हाफ मैंने रीड आउट किया यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपका इसका थर्ड पॉइंट है वो कल हम रीड आउट करेंगे और इसको आगे से देखेंगे। आप भी इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने देखिएगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वो आपके हाईली कंजेस्टेड एरियाज हैं या वहाँ पर आपकी जो है वो कम लोग रहते हैं, ठीक है। आपने वो सारी देखना है कि आप कौन से एरियाज में रहते हैं।